बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सेना और आतंकियों के बीच के एनकाउंटर की, जो अभी भी जारी है। हाजिन में यह एनकाउंटर हुआ जिसमें सेना ने दो आतंकियों को ढेर कर दिया है, जबकि दो जवान भी इस मुठभेड़ में शहीद हो गए। तीन जवानों के घायल होने की खबर भी सामने आई है। बताया ये जा रहा है कि वहां 8 आतंकी छिपे हैं। सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है और दोनों ओर से लगातार गोलीबारी जारी है। सेना को सफलता हाथ लगी है कि दो आतंकियों को ढेर किया जा चुका है, जबकि सर्च ऑपरेशन में अभी भी बाकी आतंकियों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हाजिन एनकाउंटर के बारे में जम्मू कश्मीर के DGP SP वैद्य से हमारे सहयोगी इद्रीस लोन ने बातचीत की है। हमारे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस के DG SP वैद्य साहब हैं। सर, आज सुबह एक एनकाउंटर हुआ बांडीपोरा में, उसके डिटेल्स हमें बताएं। बांडीपोरा जिले में एक हाजिन जगह है, राखे हाजिन, वहाँ आज सुबह एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे हमने सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था, RR CRP और J&K पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, और उसमें दो डेड बॉडीज टेररिस्ट की मिली हैं। एक लोकल टेररिस्ट नसरुल्ला आइडेंटिफाई हुआ है और दूसरा एक पाकिस्तानी नेशनल है, या तो वो अली है या महमूद है। इन दोनों ने उस लश्कर तौबा ग्रुप के जरिए वहाँ रेन ऑफ टेरर फैलाया था हाजिन में। अगर आपको याद होगा, हमें कुछ महीने पहले एक CRP के कमांडिंग ऑफिसर को और एक आर्मी मेजर को खोना पड़ा, कुछ दिन पहले एक BSF के जवान को खोना पड़ा, तो ये ग्रुप उसके लिए जिम्मेदार था, तो इसको न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी था। सर, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इद्रीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर।